हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंत तक मैं आपको इतिहास की 10 सबसे बड़ी और महंगी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी वजह से लोगों को लाखों करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए ये कौन कौन सी गलतियां थीं, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें। नंबर 1, दी $800 स्लाइस ऑफ एप्पल। दोस्तों, एप्पल कंपनी जो आपके लैपटॉप्स, आईफोन और आईपैड्स बनाती है, उसकी शुरुआत 3 लोगों ने मिलकर की थी, जिसमें स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनेक और रोनाल्ड वेन शामिल थे। पर दोस्तों, कंपनी शुरू होने के मात्र 12 दिन बाद ही रोनाल्ड ने अपना 10% हिस्सा महज $800 में बेच दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद इस कंपनी का कोई भविष्य ही नहीं होगा। पर दोस्तों, उन्हें ये नहीं पता था कि यही कंपनी आगे चलकर दुनिया की 10 सबसे अमीर कंपनियों में से एक बन जाएगी। दोस्तों, आज इस कंपनी की कुल कीमत $1 trillion है, और अगर रोनाल्ड इस कंपनी को छोड़ने की गलती नहीं किए होते तो आज वो करोड़ों अरबों के मालिक होते और साथ ही एक बड़ी कंपनी का हिस्सा भी होते। इसलिए दोस्तों, रोनाल्ड की ये गलती दुनिया की सबसे महंगी बिजनेस गलतियों में से एक मानी जाती है। नंबर 2, रसिया सेल्स अलास्का। दोस्तों, ये सौदा इतिहास का सबसे ज़्यादा घाटे वाला सौदा माना जाता है, जब रसिया ने 663,000 स्क्वायर मीटर वाले अलास्का को महज $7.2 million में अमेरिका को बेच दिया था। दरअसल दोस्तों, 19वीं शताब्दी के आसपास विश्व युद्धों में भाग लेने की वजह से रसिया आर्थिक और सैनिक रूप से भी काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था, और इसलिए उसने रसियन राजधानी से काफ़ी दूर स्थित अलास्का क्षेत्र को बेचने का कदम उठा लिया। पर दोस्तों, रसिया ये नहीं जानता था कि आगे चलकर उन्हें ये सौदेबाजी बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि जब रसिया ने अलास्का को बेचा था तब तो तेल सिर्फ दिया और लालटेन जलाने में ही इस्तेमाल होता था। मगर आज हम और आप ये बड़े अच्छे से जानते हैं कि आजकल तेल कितनी कीमती चीज़ बन गई है, और दोस्तों, आज अलास्का भी तेल का भंडार बन चुका है। इसलिए अमेरिका, जो पहले से ही अमीर था, वो अलास्का को पाकर आज और भी धनी बन गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रसिया ने उस समय अलास्का को बेचकर सही किया या गलत, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नंबर 3, स्पेनिश सबमरीन। दोस्तों, हर देश अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा है, पर कई बार इस चक्कर में कुछ देश ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि फिर उन्हें करोड़ों रुपयों का नुकसान सहना पड़ जाता है, और ऐसा ही कुछ 2013 स्पेन में हुआ था। दरअसल दोस्तों, स्पेन ने एक बहुत बड़ा सबमरीन बनाने की कोशिश की थी, पर सबमरीन बनाने वालों ने ध्यान ही नहीं दिया और हद से ज़्यादा भारी सबमरीन बना दी। दोस्तों, ये सबमरीन तकरीबन 100 टन से भी ज़्यादा भारी थी, और इसलिए जब इसे पानी में डाला गया तो ये ऊपर ही नहीं आ पा रही थी। इसके बाद दोस्तों, फिर से इस सबमरीन को सुधारने में लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, पर उसके बावजूद लगभग 490 खरब रुपए खर्च करने के बाद भी स्पेन ने एक ऐसी सबमरीन बनाई जो तैर ही नहीं सकती थी। नंबर 4, लॉटरी टिकट। दोस्तों, आजकल धोखाधड़ी के इतने केसेस बढ़ चुके हैं कि कई लोग लॉटरी टिकट जैसी चीज़ों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं, और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो मजाक में लॉटरी टिकट खरीद तो लेते हैं पर उस पर ध्यान नहीं देते। पर दोस्तों, इस बार मार्टिन नामक इस बंदे ने अपनी लॉटरी टिकट पर ध्यान न देकर अपनी ज़िंदगी की सबसे महंगी गलती कर दी। दरअसल अपनी पहली मैरिज एनिवर्सरी मनाने के पहले मार्टिन ने जो लॉटरी टिकट खरीदी थी उसमें वो 30 करोड़ रुपए के विजेता बन गए थे, पर उन्होंने इस इनाम को लेने में काफ़ी देर कर दी। दोस्तों, रिजल्ट घोषित हो जाने के 7 हफ्ते बाद मार्टिन को पता चला कि वो तो लॉटरी जीत चुके हैं, पर चूंकि लॉटरी कंपनी के हिसाब से अगर आप 30 दिनों के अंदर अंदर अपना इनाम लेने नहीं पहुंचे तो फिर आपको वो इनाम नहीं दिया जाएगा, और इस तरह दोस्तों, मार्टिन की लापरवाही की वजह से वो एक करोड़पति बनने से रह गए। नंबर 5, डीप वाटर हॉरिजॉन। दोस्तों, ये गलती इतिहास से लेकर आज तक की सबसे विनाशकारी और महंगी गलती है, जो अमेरिका से हुई थी और इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी।
दोस्तों 2010 में मैक्सिको की घाटी में कच्चे तेल की खुदाई की जा रही थी और तभी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से मशीन की पाइप फट गई, जिसके बाद पूरा तेल पानी में फैलने लगा और वर्क स्टेशन पर धमाकेदार विस्फोट हुआ, जिसमें आग लगने की वजह से 11 कारीगरों की जान चली गई। और दोस्तों उसके बाद से ही पाइप फटने की वजह से समंदर में इतना तेल बह गया जिससे कि 300 ओलंपिक्स फील्ड जैसा स्विमिंग पूल भरा जा सकता है। और दोस्तों इस तरह अरबों रुपए का 210 गैलन कच्चा तेल समंदर में बर्बाद हो गया। नंबर 6, नासा स्पेस शटल चैलेंजर। दोस्तों जब से नासा की शुरुआत हुई है तब से उसने कई बड़े बड़े मुकाम हासिल किए और आज तो वो चांद तक पहुंच गया है, पर नासा से भी ऐसी कई सारी गलतियां हुई हैं जिसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। और दोस्तों 28 जनवरी 1986 को स्पेस शटल चैलेंजर के साथ जो हुआ वो इस बात का सबूत है। दरअसल 3 सालों में इस अंतरिक्ष यान ने 9 बार अंतरिक्ष में जाकर वहां 62 दिन 7 घंटे 56 मिनट 22 सेकंड बिताया था, पर अपने 10वें सफर में जाते जाते ये अंतरिक्ष यान विस्फोट कर गया। दोस्तों इस रॉकेट की बाहरी तेल की टंकी में कोई खराबी थी जिसकी ढंग से जांच नहीं की गई थी और इसलिए रॉकेट लॉन्च होने के महज 73 सेकंड बाद ही ये रॉकेट आसमान में जाते जाते फट गई और अपने साथ साथ 7 अंतरिक्ष यात्रियों को भी खत्म कर डाला। दोस्तों आज तक ये हादसा नासा के इतिहास में सबसे महंगी गलती के रूप में याद किया जाता है। नंबर 7, एक साइट मिस्टेक। दोस्तों जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि आज गूगल दुनिया का सबसे मशहूर और सबसे बड़ा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन बन चुका है, पर एक समय था जब गूगल की जगह एक साइट सर्च इंजन ले सकता था, पर दोस्तों एक साइट की एक गलती ने आज उसे गुमनाम बना दिया। दरअसल 1999 में जब लैरी पेज और सर्जे ब्रायन एक साइट के पास गए थे और उन्होंने एक साइट को गूगल को महज $7,50,000 में खरीदने का ऑफर दिया था, तब एक साइट ने उन्हें मना कर दिया था। और दोस्तों उनकी ये भूल उन्हें बहुत महंगी पड़ी क्योंकि आज गूगल की कीमत लगभग $740 बिलियन हो गई है। और वहीं एक साइट जो 90s के समय में पहले नंबर की सर्च इंजन हुआ करती थी, आज वो 3,616 नंबर पर आ गया है। नंबर 8, फोर्ड कंपनी फेलियर। दोस्तों फोर्ड दुनिया की 10 सबसे बड़ी गाड़ी बनाने वाली कंपनियों में से एक है, पर 1958 में उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी जिसका खामियाजा उसे करोड़ों रुपए खर्च करके भुगतना पड़ा था। दरअसल दोस्तों 1958 में फोर्ड मोटर कंपनी ने फोर्ड एडजल नामक एक एडवांस गाड़ी लॉन्च की थी जिसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जो गाड़ियों की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति ला सकती थी, पर क्रांति लाने की बजाय उसे खुद 25 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ गया था। और दोस्तों इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि कंपनी ने गाड़ी की सही ढंग से प्रमोशन और मार्केटिंग नहीं की थी, साथ ही गाड़ी को जब लॉन्च किया गया तब उसमें कुछ काम होना बाकी था और गाड़ी से ऑयल लीक होने लगा था जिससे पब्लिक के सामने उसकी इमेज खराब हो गई। इसके बाद भी दोस्तों कंपनी ने गाड़ी सुधारने में और करोड़ों रुपए खर्च कर डाला, पर वो पैसा भी डूब गया क्योंकि अब अमेरिकन्स को ऐसी गाड़ी चलानी ही नहीं थी। नंबर 9, चाइना कॉम्प्लेक्स फेलियर। दोस्तों पिछले 15 सालों से चाइनीज सभ्यता ने बड़ी ही तेजी से तरक्की की है। उसने सड़कें, पुल और फोन्स बनाने से लेकर कई ऐसी ऐसी इमारतें बनाई हैं जो काबिले तारीफ हैं, पर दोस्तों 2009 में शंघाई में नदी किनारे एक ऐसी 30 माले की बिल्डिंग बन रही थी जो पूरा बनने से पहले ही पूरी की पूरी जमीन से उखड़कर गिर गई, जिसमें एक वर्कर सहित कई और अनगिनत लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि बिल्डिंग बनाने वाले इंजीनियर्स ने जमीन की अच्छे से जांच नहीं की थी क्योंकि जब बिल्डिंग गिरी तो उसके नीचे दलदल वाली मिट्टी पाई गई। दोस्तों इस हादसे में जो जाने गई वो तो गई ही, पर साथ ही बिल्डिंग की कुल 629 फ्लैट्स में से 489 फ्लैट्स पहले बिक चुकी थी, इसलिए बिल्डिंग ओनर को लगभग 97 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा था। नंबर 10, दिवासा वॉरशिप।
दोस्तों पहले के समय में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी कि आज के समय में हो गई है, पर उसके बावजूद पहले के इंजीनियर्स भी काफ़ी बड़े और खूबसूरत जहाज़ बना लेते थे। और दोस्तों ऐसा ही एक जहाज़ 1628 में स्वीडन के राजा के हुक्म पर बनाया गया था। ये एक 230 फीट ऊंचा लगभग 120 टन का एक जंगी जहाज़ था जिस पर सोने का पानी चढ़ा था और कई धार्मिक कलाकृतियां भी बनी थीं। दोस्तों उस समय की करेंसी के हिसाब से इस जहाज़ को बनाने में 2 लाख रेक्स डॉलर लगे थे जो कि स्वीडन की साल भर की कमाई का 120वां हिस्सा था। पर दोस्तों जिस दिन ये जहाज़ राजा के सामने पेश किया गया उस दिन महज 30 मिनट का सफ़र तय करने के बाद ही पानी में लगातार ऐसा तेज का हवा का झोंका आया जिसकी वजह से जहाज़ देखते ही देखते पानी में डूब गया। और इस तरह दोस्तों वासा वारशिप दुनिया का सबसे बड़ा और सुंदर जंगी जहाज़ बनने से रह गया। तो दोस्तों इतिहास की इन गलतियों में से आपको कौन सी गलती सबसे ज़्यादा बड़ी और महंगी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।